हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट बाय मेट। सो जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लिखा भी है, उसी तरह से हम स्टार्ट भी कर रहे हैं। वैसे हमने अभी तक सिर्फ इतना मेंशन किया है कि 10th, 11th या 12th के लिए हम बायो रिलेटेड वीडियोस डालेंगे, लेकिन फॉर शॉर्ट नाउ अब मैंने 9th क्लास की कुछ वीडियोस भी ऐड करना शुरू किया है। जैसे कि अभी हम ऐड कर रहे हैं टिश्यूज, राइट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, अभी हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज टॉपिक हमने शुरू कर रखा है। आज की हमारी वीडियो का टाइटल उससे रिलेटेड है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी द मस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आज हम सिर्फ बेसिक मस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, जितना हम क्लास 9th में पढ़ते हैं उसके बारे में, बस इतना। इसीलिए मैंने हेडिंग भी डालनी है इसकी, बेसिक्स, राइट। हम अब सिर्फ बात करेंगे कि एक्चुअली बेसिक्स क्या है इसके, यानी हम छोटे लेवल पे क्या पढ़ सकते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। आज हम वहीं से शुरू करेंगे, छोटा सा टॉपिक रहेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जो मसल्स होते हैं ना, मसल या मस्कुलर टिश्यू, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑन रिलैक्स एंड रिलैक्सेशन। इनका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस फोर्स फॉर क्रिएटिंग मोशन। और ये मोशन किस तरह का हो सकता है, ठीक है? सो ये फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और फोर्स भी बेसिकली एनर्जी जनरेटेड फोर्स होती है, यानी एटीपी, एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस होता है, वो एटीपी जो है वो मोशन करने में मदद करता है। अब ये मोशन कैसा हो सकता है? ये मोशन नॉर्मल स्टेशनरी मोशन हो सकता है, यानी ऐसा मोशन हो सकता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में मूवमेंट करवाए, इंटरनल ऑर्गन्स का जो मूवमेंट है वो, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है जिसमें पोजिशन चेंज हो ह्यूमन बींग की या एनिमल की, जैसे कि जैसे हम लोकोमोशन कहते हैं, वो भी हो सकता है। क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, एनिमल टिश्यू का पार्ट है ये, तो वो हम पढ़ रहे हैं जो कि सेकंड टाइप है। हम पहला टाइप एपिथेलियम टिश्यू पढ़ चुके हैं, मस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं। इनका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस फोर्स सो क्रिएटिंग मोशन। एंड मोशन दो तरह का, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर मोशन और लोकोमोशन। अब ये इंटरनल ऑर्गन में मोशन क्यों चाहिए वो भी हम बात करते हैं, और लोकोमोशन क्या है और कहाँ पर ये होता है, ये इनका फंक्शन है। हम वैसे अगर फंक्शन आपसे पूछा जाए, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इनका फंक्शन है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स टू क्रिएट मोशन। मसल्स का ये, अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से जो टिश्यूज हैं वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराते हैं मसल्स में जाके, ताकि क्या हो, मोशन हो, ठीक है? अब आपके तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो बेसिक है जो 9th क्लास में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? तो तीन तरह के होते हैं आपके मस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, अगर हम क्लासिफाई इनको करना चाहें तो। नंबर वन, दैट इज अ स्केलेटन, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बताएं कि ऑन द बेसिस ऑफ कि कहाँ पर प्रेजेंट है स्केलेटन टिश्यू। सेकेंड, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। एंड थर्ड, स्मूथ मसल्स, ठीक है? अब ये जो तीन टाइप हैं, इन तीनों में कुछ डिफरेंस हैं, और वो आपके मेन एग्जाम में भी पूछा जाता है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। इसमें डायग्राम के बेस पे भी हम इसमें थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन जो है कर सकते हैं। अगर हम स्केलेटन टिश्यू की बात करें तो आपके स्केलेटन टिश्यू कुछ इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है? अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड है। अब ये हम बाद में बात करेंगे कि डार्क और लाइट बैंड जो है वो किस चीज़ के हैं, ठीक है? क्योंकि वो हमें डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब हम बता सकते हैं। तो डार्क और लाइट बैंड अल्टरनेट इसमें दिखते हैं। इसीलिए स्केलेटन मसल कहाँ किसको कवर करती है, दे आर बेसिकली दीज मसल्स आर कवरिंग द बोन्स, ठीक है? मसल्स विच आर अटैच्ड, विच आर अटैच्ड टू द बोन्स और स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम यानी स्केलेटन बोन्स से जो कनेक्ट होती हैं, स्केलेटन बोन्स से जो कनेक्ट होती हैं उन्हें हम स्केलेटन टिश्यू या स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, दीज आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर जो मसल्स लगी होती हैं वो कौन सी होती है? कार्डिक टिश्यू सिस्टम बनाती है वो। अगर स्मूथ मसल की बात करें तो इंटरनल विसेरल ऑर्गन्स जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन यानी विसेरल ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल जो भी आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो माउथ हो, चाहे वो
ईसोफेगस हो, चाहे वो स्टमक हो, वो सब और इंटेस्टाइन, वो सारे के सारे विसल ऑर्गन है, किडनी, ये सारे आपके इंटरनल ऑर्गन है। इनके अंदर जो भी मूवमेंट होगी वो विसल ऑर्गन की इसमें होती है। अब अगर हम बात करें, मैंने स्ट्रक्चर बनाया था पहले स्केलेटन टिश्यू का, जो स्केलेटन टिश्यू है वो आपका स्ट्रेटेड टिश्यू, इसको हम कहते हैं, इसमें स्ट्रेशन है। देखिए अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है, इसमें डार्क एंड लाइट बैंड है, ठीक है, इसीलिए इसको हम स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। स्ट्रेटेड मतलब स्ट्रेटेड का यहाँ पर मतलब क्या है, स्ट्रेटेड मसल टिश्यू सिस्टम से हम क्यों कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है। कार्डियक में भी बोले तो ये भी क्या है, स्ट्रेटेड है, स्ट्रेटेड है, यानी इनमें भी स्ट्रेशंस हैं, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है। जबकि स्मूथ मसल्स में अगर हम देखें तो स्मूथ मसल जो है नॉन स्ट्रेटेड में आते हैं, नॉन स्ट्रेटेड की कैटेगरी में आते हैं, और जो नॉन स्ट्रेटेड की कैटेगरी में आते हैं इसीलिए इनको स्मूथ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होते। थर्ड इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, जो आपकी स्केलेटन मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है, वो आपके विल यानी आपके दिमाग के एक्शन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, वो आपके सोची समझी एक्शंस होंगे। तो वो सारे एक्शंस कौन से एक्शन करवाते हैं, मसल्स वॉलेंट्री एक्शंस करवाते हैं, जबकि कार्डियक और स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो नॉट अंडर योर विल, तो नॉन वॉलेंट्री एक्शंस, ये नॉन वॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म कराते हैं, ये भी नॉन वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, नॉन वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। स्केलेटन टिश्यू सिस्टम में अगर हम ये देखें कि इसका स्ट्रक्चर हमने देखा, ये कैसे टिश्यूज है, ठीक है, ये आपके देख सकते हैं अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है, साथ ही साथ ये अनब्रांच्ड है, ये जो टिश्यू है वो आपका अनब्रांच है। कार्डिक टिश्यू की अगर हम बात करें, ओके कार्डिक टिश्यू की अगर हम बात करें, वैसे तो ये स्ट्रेटेड है, जैसे ये स्ट्रेटेड है ये भी स्ट्रेटेड है, लेकिन ये ब्रांच्ड है, ठीक है, इनकी आपके अगर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बने हुए अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड बने हुए, और ये आपके अनब्रांच्ड है। एनसीईआरटी में जो बना हुआ डायग्राम है अगर आप देखेंगे तो ये ब्रांच्ड है, ठीक है। और स्मूथ मसल की अगर हम बात करें तो स्मूथ मसल में अगर हम देखें तो वो कैसे होते हैं आपके, इस तरह के, दे हैव टेपरिंग एंड्स, ठीक है, टेपरिंग एंड्स आपको दिखेंगे, तो इन ये अनब्रांच होते हैं और इनके एंड्स कैसे होते हैं, टेपर्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, अनब्रांच्ड विद टेपरिंग एंड्स, इनके एंड्स भी जुड़े हुए होते हैं, स्पिंडल शेप कहते हैं इसको, ठीक है। और अब अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये आपके यूनि न्यूक्लिएट होते हैं, स्ट्रेटेड स्केलेटन जो होते हैं वो भी यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, और यहाँ अगर हम स्मूथ मसल में देखें आपको एक न्यूक्लियस दिख ही रहा है, ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। जबकि कार्डियक जो आपके टिश्यूज होते हैं, कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज होता है, वो आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे स्केलेटन टिश्यू सिस्टम है, बोन्स वगैरह हैं, अगर सर हिलाना है, हाथ हाँ करना है ना करना है, या फिर अगर आपको पैर से चलना है फिरना है, लोकोमोशन करना है, एल्बो हिलानी है, थाई हिलाना है, या फिर अगर आपको नी की मूवमेंट करनी है, वो सब किसकी वजह से हो रहा है, स्केलेटन टिश्यू सिस्टम की वजह से, स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू की वजह से। जो हार्ट बीट चल रही है, ठीक है, कंटिन्यूस चल रही है, अब देखिए स्केलेटन टिश्यू है वो आप सारा एक्शन, मोस्ट ऑफ द एक्शन आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन जो हार्ट बीट है, अगर वो हार्ट बीट आप अपनी मर्जी से करने लग गए तो इसमें आपके दिमाग का एक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, साथ ही साथ वो फंक्शन फास्ट नहीं हो पाएगा, जबकि हार्ट बीट तो सेकंड के हिसाब से चलती है, तो वो तो बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो जो कार्डियक टिश्यू है वो इनवॉलेंट्री एक्शन रहता है या नॉन वॉलेंट्री एक्शन रहता है, ठीक है। और ये सिर्फ स्पेसिफिकली हार्ट की मसल्स जो होती हैं, वो आपकी हार्ट का मस्कुलर टिश्यू एकदम अलग, सबसे अलग है, ठीक है, बिकॉज द ऑर्गन इज़ वेरी स्पेशल, दैट्स वाई, ठीक है। देन स्मूथ मसल जो है वो आपकी कवर करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, अब उनके मूवमेंट भी इन्वॉलेंट्री है, आपके हाथ में नहीं है, भाई क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको आलस आ गया, तो जैसे आप कभी कभी खाना भूल जाते हैं या खाने चलना फिरना भूल जाते हैं, तो अगर आप खाने को पचाना भूल गए तो उससे एनर्जी तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि पेरिस्टलैटिक मूवमेंट ईसोफेगस में होती है खाने को नीचे ले जाने के लिए, और जो आप खाना खाते हैं उसको पाचन क्रिया के लिए नीचे जाना पड़ता है, स्टमक में जाना पड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना पड़ता है, ये सारी मूवमेंट स्मूथ मसल्स कंट्रोल करती हैं, और वो आपके ब्रेन के हाथ में नहीं है, वो अपने आप हो रही है,
ठीक है। साथ ही साथ जो किडनी में एब्जॉर्प्शन हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, क्या खाना खाते वक्त, क्या रीअब्जॉर्प्शन होते वक्त, क्या यूरिन प्रोड्यूस होते वक्त आपको फीलिंग होती है, ये सब कब हो रहा है आपकी बॉडी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ आई मूवमेंट है, ये सब कब हो रहा है आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता चल रहा। तो ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन स्मूथ मसल करवा रही है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ इनवॉलेंट्री, ये विसरल ऑर्गन के लिए। तो ये मसल्स यहाँ यहाँ पाई जाती हैं और ये इनके बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एक बड़ी वीडियो में, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो मुझे बनानी थी बेसिक्स के ऊपर, फिर इसके बारे में बात करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर में। थैंक यू।